hello again welcomes in dr sunita botany classes today we will come with a very small topic plasmolysis deplasmolysis and imbibition you all are familiar with these topics plasmolysis प्लाज्मोलिसिस क्या वेन ए सेल इज ऑस्मोसिस आप पढ़ते आए हो अभी तक डीपीडी पढ़ लिया वाटर पोटेंशियल पढ़ लिया इन सब में क्या हो रहा है वाटर का मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर अंदर से बाहर बाहर से अंदर तो प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस आर ऑल्सो रिलेटेड विद ऑल दिस मूवमेंट ऑफ वाटर प्लाज्मोलिसिस वेन ए सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक्जोस्मोसिस ऑफ सेल से स्टार्ट्स और उसकी वजह से ऑफ स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से जो सेल वॉल का टेंशन है वो रिमूव हो जाएगा एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिजल्टिस जैसे ही एक सेल है इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर की साइड ज्यादा है तो उसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट है जो सेल सेप में जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर की साइड मूव करेगा सेल सेप का वाटर एक्जोस्मोसिस हो गया है तो उसकी वजह से सेल सेप का जो सेल साइटोप्लाज्म उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये क्या श्रिंक होना शुरू कर देगा और इसी प्रोसेस श्रिंक हो सेंटर में श्रिंक हो जाएगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस नेक्स्ट है डी जैसे कि नाम से ही लग रहा है आपको इसके बिल्कुल अपोजिट है इस केस में जो ये कम्प्लीटली प्लाज्मोलाइज सेल है सपोज ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा और ये सेल जो है कम्पलीटली प्लाज्मोलाइज हो गई जब इस सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसकी जो कंसेंट्रेशन है वो सेल से कम होगी तो उस केस में क्या होगा जो वॉटर है वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा और सेल के अंदर जाने से क्या होगा सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और सेल वापस से अपनी जो शेप और साइज है उसको रिगेन कर लेगी और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस प्लाज्मोलिसिस का उल्टा तो एंडोस्मोसिस की वजह से जो प्लाज्मोलाइज सेल है वो अपने शेप एंड साइज को वापिस से रिगेन कर लेती है तो जो डी प्लाज्मोलिसिस का फिनोमिना है वो एकदम से प्लाज्मोलिसिस के रिवर्स होता है स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस ऐसा तो है नहीं कि हमने सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा और एकदम से वो कम्पलीटली प्लाज्मोलाइज होगी तो ये जो प्रोसेस है ग्रेजुअली होती है धीरे धीरे होती है क्योंकि वाटर जो है सेल के सेल सेप से एग्जोस्टमोसिस की जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअली होगी धीरे धीरे निकलेगा एकदम से नहीं निकलेगा प्रेशर के साथ तो उसके लिए जो सेल की शेप में है, वो चेंजेस धीरे धीरे आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस हैं इंसिपेंट प्लाज्मोलिस एविडेंट प्लाजमोलिस एंड फाइनल प्लाज्मोलाइज सेल या कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज सेल तो फर्स्ट नॉर्मल स्टेज में सेल ऐसे प्रेजेंट होती है इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस केस में क्या होगा जो सेल मेम्रेन है जो सेल साइटोप्लाज्म है वो जो सेल वाल के कॉर्नर्स होते हैं जैसे ये देखो यहाँ से यहाँ से तो जो सेल वाल के कॉर्नर्स होते हैं वहां से सेल वॉल से डिटैच होना शुरू हो जाता है इसको बोलते हैं इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस की जस्ट जो प्लाज्मोलिसिस है वो स्टार्ट हुई है सेकेंड एविडेंट प्लाज्मोलिसिस मीन्स एविडेंस है इसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ऑब्जर्वेबल होती है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से वो ऑब्जर्वेबल है उसको हम देख सकते हैं तो इस वजह से इस प्लाज्मोलिसिस का नाम है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस इसके जो चेंजेस हैं इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस के मोर्फोलॉजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपीयर नहीं होंगे जबकि जो एविडेंट प्लाज्मोलिसिस है इसके आपके जो लीव्स हैं या जो प्लांट के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसमें भी अपीयर होंगे इसीलिए इसको बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलिसिस नेक्स्ट है फाइनल प्लाज्मोलिसिस कंप्लीटली जो सेल प्लाज्मोलाइज हो जाती है उस केस में क्या होगा जो सेल साइटोप्लाज्म वो कम्पलीटली सृंक होकर सेंटर में एक राउंड फॉर्म में आ जाता है इसको बोलते हैं फाइनल या कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज्ड सेल दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इनके अंदर डिफरेंस क्या डिफरेंस है वैसे तो आपने देख लिया देखने से पता लग गया बट जो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनमें कैसे डिफरेंस पता लगता है तो जो इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस है नो मोर्फोलॉजिकल सिम्टम्स अपियर इन प्लांट के अंदर कोई इसका सिम्टम्स अपेयर नहीं होता है इंसिपेंट प्लाज्मोलिस नॉर्मली जब हम सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में भी रखते हैं तो उस टाइम पे भी स्लाइटली सी इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस अपियर हो जाती है एंड फाइनल एविडेंट प्लाज्मोलिसिस एविडेंट प्लाज्मोलिसिस कॉजिस विल्टिंग ऑफ लीफ अपियर आप कई बार देखोगे ना कि प्लांट्स को ज्यादा धूप होती है तो उस टाइम से ड्रोपिंग ऑफ लीफ हो जाती है तो वो किसकी वजह से है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस की वजह से पानी नहीं देते हो आप कई बार प्लांट को तो जो टेम्परेरी विल्टिंग जिसको हम बोलते हैं वो हो जाती है लीव्स की एविडेंट प्लाज्मोलिसिस में फाइनल प्लाज्मोलिसिस सीवियर विल्टिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स अपीयर इसमें टू बी अबाउट परमानेंट विल्टिंग के आसपास पहुंच जाता है ठीक है अगर आप उसको कुछ और टाइम के लिए अगर वाटरिंग नहीं करोगे तो वो प्लांट डाई हो जाएगा तो इसमें सीवियर विल्टिंग हो जाती है ड्रूपिंग ऑफ लीव्स अपीयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट एट ओनली कॉर्नर्स एज यू सी बिफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिटेच फ्रॉम द सेल वॉल और इन केस ऑफ फाइनल प्लाज्मोलिसिस इट फॉर्म ए राउंड सेंटर सेंटर इन द सॉरी राउंड शेप इन द क्सिमम स्रिंकेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल जो भीज है वो हो जाती है इट इज रिवर्सिबल रिवर्सिबल मीन जैसे ही हम सेल को जो सोल्यूशन है जैसे हमने आ, 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 में रखेंगे तो सेल वापिस से अपनी शेप रिगेन कर लेगी एविडेंट प्लाजमोलिस ऑल्सो रिवर्सिबल की जैसे ही हम उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन वॉटर प्रोवाइड करेंगे तो सेल वापिस से अपनी शेल रिगेन कर लेगी बट अगर सेल कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल है इसीलिए बोला इसमें सीवियर विल्टिंग टेम्परेरी जो परमानेंट विल्टिंग है वो हो जाती है लीव्स जा, की और उसकी वजह से जो लीव्स है वो ड्रॉप हो जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस प्लाज्मोलिसिस कंफर्म्स द सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन क्यों अगर सेमी परमिएबल नेचर है तभी तो मूवमेंट हो रहा है वाटर का या जो भी sol, न,

जो स्टैंडर्ड प्रेशर का है जो नॉन जो होगा सॉल्यूशन, नॉन कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जिस कंसेंट्रेशन में प्लाज्मोलिसिस एंडोस्मोसिस रही है जोस्मोसिस हो रही है या प्लाज्मोलिस नहीं हो रही तो उससे हमें सेल सेप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पता लग जाएगा प्लाज्मोलिसिस इज यूज इन द सेपरेशन ऑफ द फ्लैश फ्रॉम द बोन्स प्लाज्मोलिसिस ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द जैम एंड जेली जैम एंड जेली में क्या होता है फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो तो उसमें भी ये हेल्प करता है उस केस में क्या करते हैं जैम में हाई कंसेंट्रेशन में शुगर कर, अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं जो फंगल हाइफी होते हैं ये जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनका प्लाज्मोलिसिस कॉज करते हैं और फाइन कंप्लीटली प्लाज्मोलिसिस की वजह से जो सेल है वो डाई हो जाते हैं द रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इन सेल कैन बी मेजर्ड बाय प्लाज्मोलिसिस कि जो किस रेट uh, से उसमें एंटर करेगा वाटर वो भी हम प्लाज्मोलिसिस से मेजर कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज इम्बाइबिशन इम्बाइबिशन आपने बहुत बढ़ा होगा सबसे मेन इसका जो रिजल्ट सबसे मेन जो एविडेंट है जर्मिनेशन ऑफ सीड में सीड का जब भी मोस्टली आप जर्मिनेशन आप घर में भी अगर वेजिटेबल किचन गार्डन है तो उसमें भी आप देखोगे जो घिया है या तुरई है जो भी आप सीड ग्रो करते हो अगर उसको आप भिगो देते हो तो वो जल्दी ग्रो कर जाता है तो वो किसकी वजह से इम्पाइबिशन के प्रोसेस की वजह से क्योंकि अगर आप उसको वाटर में सोक कर देते हो तो उसका जो इम्पाइबिशन है वो जल्दी हो जाता है सम मेटेरियल लाइक गम स्टार्च सेलो जिलेटिन क्यों सीड्स के अंदर भी ये स्टार्च प्रेजेंट होती है इसी की वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो भी मटेरियल है गम है स्टार्स है gelatin, agar, protein, water, और इसी फिनोमिना को जो ऑफ वाटर है इसको ही बोलते हैं इम्बाइबिशन एग्जाम्पल है स्वेलिंग ऑफ ड्राइनेस वुडन विंडो टेबल सिग्निफिकेंस क्या है इम्बाइबिशन की सबसे मेन सिग्निफिकेंस है इम्बाइबिशन इनिशिएट सीड जर्मिनेशन अगर इम्बाइबिशन की प्रोसेस नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे और सीड जर्मिनेट ही नहीं करेंगे तो आगे जो प्लांट का प्रोसेस है वो सारा ही स्टॉप हो जाएगा सो इम्बाइबिशन इज वेरी इंपोर्टेंट प्रोसेस इट काज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीड अल्टीमेटली ब्रस्टिंग ऑफ टेस्टाइड सीड कोट इम्बाइबिशन होगा वाटर को एब्जॉर्व करेगा वाटर को एब्सॉर्व करेगा तो क्या होगा जो भी स्टार्च या जो कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट है वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वो जो उसके बाहर की कवरिंग है सीड की उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी जिसकी वजह से वो ग्रस्टिंग होगी और फैसिलिटेट करेगा सीड जर्मिनेशन को इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट वाटर एब्जॉर्शन भी रूट्स में इसी प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट क्या होता है वाटर का इम्बाइबिशन होता है रूट हेयर्स पे तो उसी की वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है स्टार्टिंग जो होती है वाटर एबजॉर्ब्शन की इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ ओव्यूल्स इनटू द सीड। ड्यूरिंग इम्बाइबिशन हीट एनर्जी इज रिलीज विथ फर्दर इनक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स ऑफ द लिविंग सीड Imbibition, जब भी होगा उससे हीट एनर्जी निकलती है तो जब भी सीड जर्मिनेट होंगे उस टाइम पे उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है विच फर्दर इंक्रीज द और जैसे ही अगर हीट एनर्जी निकलेगी तो वो क्या करेगी जो सेल की एक्टिविटीज है उनको इंक्रीज करेगी लिविंग सेल्स में थैंक्स